नमस्कार दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिकल। हमारा चैप्टर है बजटरी कंट्रोल और इसके प्रैक्टिकल करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का ये हमारा चैप्टर है। थ्योरी उम्मीद करता हूँ आप देख चुके होंगे। अब हम उसके अंदर करने जा रहे हैं प्रोडक्शन बजट। आप जानते हैं बजट बहुत सारे होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो जो जो मेन आपके प्रैक्टिकल्स आते हैं इस चैप्टर से एग्ज़ाम में, वो बजट्स मैं आपको 4-5 कराऊँगा। सारे बजट करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि सारे आते नहीं हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहें। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, हमारी एडुट्रिक्स की एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और फिर इसके आप स्टडी मटेरियल के अंदर अगर जाएंगे, वहाँ आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा। और अगर आप स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पेड कंटेंट मिल जाएगा, सारा का सारा वीडियो, पीडीएफ और थ्योरी के, प्रैक्टिकल के हर चीज़, चैप्टर वाइज पूरे कोर्स का सब मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई हमारा क्वेश्चन आखिर कहता क्या। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए हमने बनाना है। एंडिंग मार्च, मार्च पर एंड होगा, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने के लिए हमें बनाना है। फॉर अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 4 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहे हैं ए बी सी डी, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। तो क्या क्या है हमारे पास? एस्टिमेटेड स्टॉक है 1 तारीख को, जनवरी 1 को। भाई आप जानते होंगे ये बजट है, तो बजट है तो उस बजट में सब कुछ जो होता है एस्टिमेटेड ही होता है। ये एस्टिमेटेड सेल है और ये डिज़ायर्ड क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको बता दूं, तो मैं आपको बताऊं तो ये है आपका ओपनिंग स्टॉक, ये है आपकी सेल्स और ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। बस ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर मेनली दी हुई है। तो अब देखते हैं कि हमें ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, प्रोडक्शन बजट फॉर 3 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2020। बहुत सिंपल सा फार्मूला रहता है हमारे प्रोडक्शन बजट का। इसमें हमें ये बताना होता है कि प्रोडक्शन आखिर हुआ कितना, वो भी यूनिट्स के अंदर। सेल वाइज भी बता सकते हैं, मतलब अमाउंट वाइज भी बता सकते हैं कितना प्रोडक्शन हुआ, तो उसका क्वेश्चन अलग रहता है, वो भी देखेंगे। तो सिंपल सा इसका फार्मूला है, सेल लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए, ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, जो आपके पास बचेगा वो बचेगा आपका प्रोडक्शन। अब इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला भी समझाता हूँ, जो आपके पूरे कॉस्टिंग में बहुत काम आएगा। देखिए, आपके पास हमेशा ज़्यादातर जो है एक ओपनिंग स्टॉक रहेगा, यानी जो पिछले साल का माल बचा हुआ था वो आपके पास पड़ा रहेगा, ये आपका हो गया ओपनिंग स्टॉक। फिर प्लस आप इस बार भी इसमें कुछ ना कुछ बनाएंगे, है ना, इस साल भी आप काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, कुछ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्शन। फिर अब इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास टोटल माल इतना हो गया, अब इसमें से आप क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, कुछ यूनिट्स जो है वो आप बेच देंगे। ऑब्वियसली बिजनेस किस लिए कर रहे हैं, बेचने के लिए बेच देंगे। फिर आपके पास क्या रह जाएगा एक क्लोजिंग स्टॉक, जो आपके पास बिन बिका हुआ माल रह जाएगा, ऐसा माल रह जाएगा जो आप बेच नहीं पाए। तो बस ये आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन है, आप इसको याद रखिए और उसी तरह से याद रखिए जैसे मैंने आपको कहानी सी बना के सुनाई, इसे याद रखिए और फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको इन चारों में से कोई भी एक आइटम कैलकुलेट करनी हो। तो देखिए, ये आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल इक्वल टू क्लोजिंग। अब हमें ये निकालना है कि भाई प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ। अब प्रोडक्शन सपोज हमने निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए प्रोडक्शन यहीं पर ही रह जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर पहले से है ही, ओपनिंग स्टॉक वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और सेल वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, दूसरी साइड जाके प्लस हो गया बस। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका ये जो फॉर्मेट है वो यही तो कह रहा है कि आप सेल ले लो, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो और ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो, आपके पास जो बचेगा वो प्रोडक्शन बचेगा। तो इसके अंदर कोई नई या ख़ास बात तो बताई नहीं। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका प्रोडक्शन
जो आपका बजट है वो एकदम अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा, और ये जो है ना फार्मूला ये आपको पूरी कॉस्टिंग में हमेशा काम आता ही रहेगा। तो देख लेते हैं, तो हमने क्या किया है एक्चुअली, देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं सेल, प्रोडक्ट ए की सेल है 10,000, तो प्रोडक्ट ए की सेल ये रही आपकी 10,000, प्रोडक्ट बी की सेल 15,000 है, प्रोडक्ट बी की सेल 15,000 है, फिर इसी तरह से 13,000 और 12,000, ये 13,000 12,000, तो ये आपकी आ गई सेल। इसमें आपने ऐड करना है आप क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है ये रहा, तो आप 3532 ये आप इसमें ऐड कर देंगे, 3532 ये आपने ऐड कर दिए। ऐड करने पर आपको मिल गया 13,000 20,000 16,000 14,000, फिर माइनस इसमें आप क्या कर देंगे ओपनिंग स्टॉक 2343, ये आ गया 2343, ये आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको प्रोडक्शन यूनिट्स में मिल जाएगा 11,000 17,000 12,000 और ये 11,000। बस देखिए बन गया आपका प्रोडक्शन बजट, कितना आसान था ये। अगर आपको ये याद है तो ये आपको फार्मूला भाई हज़ार जगह काम आएगा ये फार्मूला, इसे आप समझ लो मेरी बात, दोबारा सुन लो वीडियो बैक करके, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो बस यही था इसके अंदर समझने वाली चीज़। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक करना, अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, इसी तरह से जुड़े रहना, पढ़ते रहना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।